गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। मंकीज, लीपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड लायंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज, वाइल हेरोन्स, क्रेन्स, फॉक्सेस, बियर्स एटसेट्रा आर फाउंड इन द टेम्परेट एरियाज। एशिया जो है वाइल्ड लाइफ मीन्स यहाँ पर जंगली जीवन जो है उससे भरा हुआ है। मीन्स यहाँ जो फॉरेस्ट हैं उन फॉरेस्ट में जो जंगली जीवन है वो एक लार्ज स्केल पर हमें देखने को मिलता है। मंकी, लीपर्ड्स, टाइगर, एलिफेंट्स एंड लायंस जो है ये ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के। और हेरोन्स, क्रेन्स, फॉक्सेस, बियर्स ये जो हैं ये टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल एरिया एंड द टेम्परेट एरिया। ट्रॉपिकल एरिया मीन्स जो ट्रॉपिक्स के नियर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। टेम्परेट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव नॉर्थ की तरफ, मतलब उस 23.5 डिग्री नॉर्थ से अबव 66, जो हमारा ऊपर पड़ता है 66.5 नॉर्थ तक, वो नॉर्थ में टेम्परेट एरिया है। एंड इन साउथ में 23.5 डिग्री साउथ जो है उससे, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला जो एरिया है वो टेम्परेट एरिया पड़ता है। मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों के बाद वाला जो एरिया पड़ता है वो टेम्परेट एरिया है। तो टेम्परेट एरिया में ये वाले हेरोन्स, क्रेन्स, फॉक्स और बियर एनिमल पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल में मंकी, लीपर, टाइगर, एलिफेंट और लायन पाए जाते हैं। इन द टैगा एंड टुंड्रा रीजन्स, फर बियरिंग एनिमल्स लाइक मिंक्स, लाइनेक्स, पोलर बियर्स, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक फॉक्सेस एटसेट्रा आर फाउंड टैगा टुंड्रा। दिट इज दीज टू रीजन लोकेटेड इन द पोलर रीजन। आर्कटिक सर्कल से अबव जो एरिया है उसके आर्कटिक सर्कल और उससे अबव जो एरिया है उसके आसपास जो टैगा और टुंड्रा रीजन है यहाँ पर फर बियरिंग एनिमल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका हैज़ एन एक्सट्रीमली वेरिड वाइल्ड लाइफ। एलिफेंट्स, राइनोज, क्रोकोडाइल्स, गोरिलाज, एप्स, हिपोज एंड चिंपांजीज आर फाउंड इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल मीन जो इक्वेटर के नियर एरिया है उन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ देखने को हमें एक एक्सट्रीमली डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। वो एनिमल्स हैं एलिफेंट्स, राइनोस, क्रोकोडाइल, गोरिला, एप्स, हिपोज एंड चिंपैंजीज। इन द सवाना ग्रासलैंड, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक जिराफ, डियर, स्टैग्स, जेब्रा एटसेट्रा आर फाउंड। ग्रास ईटिंग मीन्स ग्रास, सवाना अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो वहां पर ग्रास ईट करने वाले एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। उनके अलावा फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मीन्स जो दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं। लायंस, टाइगर्स, लीपर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन ग्रेट नंबर्स। कैमल्स एंड ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। कैमल एंड ऑस्ट्रिच जो हैं वो हमें डेजर्टी एरिया में देखने को मिलते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो डेजर्टी एरिया है वहाँ हमें कैमल्स एंड ऑस्ट्रिचेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज यूरोप कॉन्टिनेंट। द वाइल्ड लाइफ इन यूरोप इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव एज मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। अब यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत मतलब लार्ज स्केल पर एनिमल हमें जो है ये वाइल्ड लाइफ जो है नहीं पाई जाती। क्यों, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। द पोलर बियर, वॉल्फ, वाइल्ड बोर, वाइल्ड शीप एंड नेटिव एंटीलोप आर द मेन स्पीशीज फाउंड हियर। फॉर बियरिंग एनिमल्स लाइक सेब्लिस, अर्माइंस एंड मिंक्स आर रेज्ड ऑन फर फार्म्स। पैट्रीज, कुकू, स्काईलार्क्स एंड नाइटिंगेल्स आर सम वेल नोन बर्ड्स फाउंड हियर। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमें कुछ पोलर बियर, वॉल्फ, वाइल्ड बोर, वाइल्ड शिप और यहाँ के नेटिव एंटीलोप जैसी स्पीशीज एनिमल्स की देखने को मिलती है। फर बियरिंग एनिमल्स मीन्स जो फर वाले एनिमल्स हैं जिनके फर होते हैं वो एनिमल्स लाइक सेबल्स,
आर्माइंस एंड मिंक्स आर रेज्ड ऑन फर फार्म्स. पैटीज, कुकू, स्काईलार्क एंड नाइटिंगेल जो कि हैं, इस तरह की बर्ड्स भी यहाँ हमें देखने को मिलती हैं.